नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम क्रॉस फायर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी रणनीति के शिल्पकार श्री अनिल दवे जी से। जिस तरीके से जब चुनाव एकदम सिर पर ही थे, बीजेपी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त माहौल भी था अंदरूनी, और वो जो जनाक्रोश था या आपके कार्यकर्ताओं का असंतोष था, आपने कहा ये समय के आते आते बिल्कुल कमजोर हो जाएगा या डाइल्यूट हो जाएगा, और कमोबेश वही मध्य प्रदेश में सत्ता के विरुद्ध आक्रोश दो लोगों के विरुद्ध नहीं था, मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध नहीं था शिवराज जी के, और एज ए होल सरकार के विरुद्ध नहीं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध आम जनता को कुछ नहीं कहना। जो सारा असंतोष, जो सारी नाराजगी, जो कुछ शिकायत थी, वह लोअर लेवल के ऊपर जो लीडरशिप है, जो कि सीधे सीधे जनता से प्रत्यक्ष संवाद करती है, चाहे फिर वो संगठन हो या सरकार के नुमाइंदे, उनके प्रति जो जनता के मन में भाव था, वो निश्चित ही हमें इस बात की चिंता करवा रहा था कि आखिर हम इसे कैसे ठीक करेंगे। लेकिन जब जनता के सामने ये कहा गया कि भाई एक व्यक्ति, एक संस्था और एक पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है और आपके सामने है, तो फिर आप इस प्रकार के जो व्यक्तिगत स्थानीय लोगों की नाराजगियां हैं, इसको ऊपर उठ करके और आप काम करिए। तो जनता ने हमारी बात सुनी, और जहाँ जहाँ आवश्यक था वहाँ वहाँ हमने ऐसे लोगों में परिवर्तन भी किए, कुछ किए हैं, कुछ भविष्य में करेंगे। पर इस चुनाव में एक खास बात और देखने को मिली कि जो आपके यहाँ भीतरघाती थे, उन्होंने इस बार बड़ा जबरदस्त सेबोटाज भी किया है, और कई प्रत्याशियों ने आके आप तक भी शिकायतें पहुंचाई हैं कि फला फला व्यक्ति ने उनको चुनाव जीतने ना देने की कश्म में खा रखी थी, और इस तरीके की कई शिकायत। मूल में क्या होता है कि नए नए लोग पार्टी में आते हैं, जिनका कि पार्टी के अंदर कैरियर ही 2 या 4 साल का होता है, वो 2 साल में पार्षद और 4 साल में विधायक और 5 साल में सांसद बनना चाहता है, उसकी कोई लंबी सैद्धांतिक और विचारधारा से जुड़ाव नहीं होता। तो जब उसको अपने सपनों को खोते हुए देखता है, तो वो फिर आपा खो देता है, और ये खो देना, ये आपा खो देना, ये दर्शाता है कि इस पेड़ की जड़ें संगठन के अंदर बहुत गहरी नहीं है। ऐसे ही लोगों ने सामान्यतः सबोटेज किया है, नुकसान किया है, अन्यथा पार्टी का जो अच्छा कार्यकर्ता होता है वो सामान्यतः नाराज हो जाता है तो घर पे जाके सो जाता है, फिर आप जाके मनाते हो तो मान जाता है, फिर आप बोलते हो नहीं यार काम करना चाहिए, क्योंकि वो काम किसी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा होता है, काम किसी विचार के लिए कर रहा होता है। तो ये जो सबोटेज हमको प्रदेश भर में दिखता है, अलग अलग स्थानों पर बातें हो रही हैं, इसमें आप बहुत गौर से देखिएगा, 80% वो लोग हैं जिनका कैरियर पार्टी के अंदर 5 साल से पुराना नहीं है। हाँ, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप पुराने कार्यकर्ताओं के मन में कुछ बातों को लेकर के, कुछ निर्णयों को लेकर के आपत्ति हो सकती है, तो उसे समझने की कोशिश की जाएगी। पर ये भी सामने आया कि जिन लोगों ने शिकायतें की हैं, उन्होंने ये तक कहा, जैसे कुसुम मैदेले जी हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी जो मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, उन्होंने ही उनके खिलाफ एक प्रत्याशी। आक्रोश, क्रोध, ये सब ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर आदमी को ध्यान नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। भगवान कृष्ण कह भी गए हैं क्रोधात भवति सम्मोह, तो क्रोध में लगता है कि किसी ने कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोपों के दौर में प्रमाण के साथ ही बात करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रामाणिक और अच्छा कार्यकर्ता कोई व्यक्ति अपने आप को मानता है, उतना ही सामने वाला भी है। अब अगर मान लीजिए जो शिकायतें आई हैं आपके पास, जो जेन्युइन हैं, सही हैं, तो उन पर कैसी कार्रवाई संगठन? पार्टी की एक व्यवस्था है, पार्टी के अंदर अनुशासन समिति है, सारी की सारी जो इस प्रकार की शिकायतें उनके सामने रखी जाएगी, वो उसका विश्लेषण करेंगे, आवश्यक पूछताछ करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो निर्णय लेंगे वो अध्यक्ष के संज्ञान में लाया जाता है और फिर उसे क्रियान्वित करते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव से लगे लगे ही आप कह सकते हैं कि लोकसभा की भी तैयारी शुरू हो रही है, आपको क्या लगता है मोदी फैक्टर कितना इस विधानसभा चुनाव में काम
मोदी फैक्टर ने किया है और आगे आपको देश के अंदर एक गहरी अंतरधारा बह रही है, इंटरनल करंट जिसको हम कहते हैं, और इस करंट के तीन मुख्य कारण हैं: भ्रष्टाचार, जनता ये मानती है कि नेता लोग हमको मूर्ख समझते हैं और दोहरे चरित्र के साथ हमारे साथ काम करते हैं, और तीसरा उसे लगता है कि इन लोगों के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है, चाहे आर्थिक मोर्चा हो या सामरिक मोर्चा हो। इन तीनों को मिला लेने के कारण एक प्रकार का असंतोष, एक प्रकार का अंतरधारा का विरोध चल रहा है, उसको नेतृत्व चाहिए। और सौभाग्य से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी उसको भर रहे हैं, तो समय कह रहा है कि आने वाले समय के अंदर ये जो विरोध की धारा बह रही है इसको हम सत्ता के अंदर परिवर्तन का कारण बनाएंगे और देश का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आएगा। पर दिग्विजय सिंह हो, बाकी के नेता हो, वो लोग तो मोदी एक बयान देते हैं उधर से चार बयान आ जाते हैं। जैसे ही होता है, दिग्विजय सिंह जी हो या बाकी कुछ भी हो, तो उन्हें मालूम है कि हमारे अब करने से कुछ बचा नहीं है, तो बोलने के अलावा और मस्करेबाजी करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं, और वो उसको करते रहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस की रणनीति सुबह कॉफी हाउस में जन्म लेती है और शाम को मैखाने में खो जाती है। अगर ये बात की जाए कि मध्य प्रदेश में हालिया जो विधानसभा के लिए मतदान हुआ उसमें एकदम वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत बढ़ गया है, आप क्या लगता है ये किसके? वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने जो पर्ची बांटने का काम किया है, वो पर्ची जब ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में गई तो वहां के लोगों को लगा कि ये कोई सरकारी कागज है और सरकार कह रही है कि वोट डालो, तो और उसे ये बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने हमारे दरवाजे आकर के हमारे को पर्ची दे दी, तो स्वाभाविक रूप से वोट प्रतिशत बढ़ा है। और ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, इसमें नव मतदाता यानी जो युवा हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उसको लगता है कि देश में परिवर्तन करना है और इस परिवर्तन के लिए फिर वो वोट डालने को अपना आधार मानता है। तो इन सब का लाभ निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये जो मतदाता पर्चियां हैं वो लोगों के यहाँ नहीं पहुंची हैं, और राजनीतिक दल के लोगों का कहना यह था कि ये काम वो लोग बहुत शिद्दत से करते थे, अब एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इतना मतलब जरूरी नहीं समझता कि हर एक घर। बहुत बड़ा समाज है और बहुत बड़ी एरिया है। जो कोशिश चुनाव आयोग ने पर्ची बांटने के लिए की है उसके लिए तो साधुवाद के वो पात्र हैं, लेकिन सारे राजनीतिक दल अपनी पर्ची बांटने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमको भी बांटना है तो बांटिए, जो उसके नॉर्म्स और नियम है उसके अनुसार, इसलिए किसी ने रोका नहीं है। इसलिए जितना वो बांट सकते थे उन्होंने बांटा होगा, और ये निश्चित ही आसान काम नहीं है। एक बात और भी इसमें सामने आई है कि कई लोगों के नाम जो है वो किसने काट दिए ये नहीं समझ में आ रहा, जबकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड थे। खुद आप ही के अगर कार्यकर्ताओं की बात कर ले तो उनसे भी ये विसंगति है, और इस विसंगति को समझा जा सकता है। हमने चुनाव आयोग को इसको लेकर के शिकायत की है, हमने कहा उस अधिकारी का नाम बताओ जो नाम काटता है, और जिसको नाम काटने का क्या आधार है, उसने किस आधार पर नाम काटा। कहीं ना कहीं हमारे को इसके अंदर एक अजीब प्रकार की अव्यवस्था की बू आती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि नाम हम क्यों काट रहे हैं, हम क्यों मतदान का प्रतिशत घटा रहे हैं, और अगर हमको लगता है कि ये नाम काटना था और अनिवार्य है, तो फिर 10 दिन पहले आप वो सूची बाकी राजनीतिक दलों को दीजिए और वही अपने पास रखिए। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस मामले में और अधिक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। एक बात और भी उठ रही है कि ये जो इलेक्शन था उसमें ये भी देखने को मिला कि लोग जो है व्यक्तिगत ज्यादा जिसको कहें चले गए, एक दूसरे पर छींटाकशी तक तो ठीक था, संगीन किस्म के आरोप लगाना इस पर भी गए। बीजेपी इसको लेकर बहुत ज्यादा बीच में व्यथित हुई, फिर कांग्रेस की तरफ से भी ये बात। महाभारत होने का पहला चरण यही है कि वर्जनाएं टूटती हैं
और लोग मर्यादा खोने लगते हैं। आदमी अपने ही घर की बहू को राजप्रसाद में खींच लाता है, तो ऐसे सारे जब लक्षण होने लगते हैं तो उसके बाद में महाभारत होना स्वाभाविक है। और आने वाला लोकसभा का चुनाव इस देश के अंदर टूटती हुई वर्जनाओं और मर्यादाओं के बीच में एक संघर्ष है, और मुझे लगता है कि इन्हीं सब कारणों से एक बड़ा परिवर्तन देश देखने जा रहा है। अभी जो एग्जिट पोल सर्वे आए हैं सामने, उसमें कई जगह ये भी देखने को मिला है कि बीजेपी की जो सीट्स हैं वो कम हो रही हैं। मतदान का प्रतिशत तो बड़ा है, साथ साथ आपका वोट भी बड़ा है, पर कहीं ना कहीं सीटें जो हैं वो कम होती। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल भी सर्वे ही है, एक प्रकार का वो आकलन है, और वो अगर कुछ कह रहे हैं तो वो साइंटिफिक भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हमने 8 तारीख तक रुकना चाहिए, जब सारे परिणाम आ जाएंगे तब हम ज़्यादा तथ्यात्मक रूप से ये कह पाएंगे किसका क्या कारण है और कहाँ कहाँ कौन कौन से बिंदु प्रभावी रहे। अभी केवल सर्वे के आधार पर या एग्जिट पोल के आधार पर कुछ कहना ठीक नहीं। कांग्रेस तो एग्जिट पोल को सिरे से ही नकार रही है। दिग्विजय सिंह जी ने तो कह दिया सारे एग्जिट पोल कूड़े के डब्बे में। दिग्विजय सिंह जी की बात अगर राहुल गांधी सुन लेंगे ना तो मालूम नहीं उनके साथ क्या बर्ताव करेंगे। उनके चैम्बर में जितनी फाइलें हैं ना वो सब कचरे की पेटी में डालना, क्योंकि वो जो काम करते हैं उसका बेस ही सर्वे, आकलन, मूल्यांकन, ये सब है। अब अपने बॉस का कहना नहीं मानना और बॉस के किए काम करने की शैली के विपरीत बात करना, ये दिग्विजय सिंह जी की विशेषता है। इस चुनाव में अब क्या लगा, एक तरफ आपके लोग थे, आपकी एक टीम थी, दूसरी तरफ एक विपक्ष के रूप में, सशक्त रूप में कहा जाए कांग्रेस भी थी, क्या काश कांग्रेस सशक्त होती। कांग्रेस सशक्त थी ही नहीं, भ्रम और जिसे डायलीमा कहते हैं वो खड़ा करना कांग्रेस की शैली है, लेकिन इससे चुनाव तो नहीं जीते जाते। और ये जो छोटी शॉर्टकट और मस्खरे जैसी बातें हैं, इससे कांग्रेस को कभी न कभी बाहर आना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि बहुत लेट हो गया है, ये कांग्रेस यानी घर में कफन आ चुका है, अब शहनाई बजाने से क्या फ़ायदा। कांग्रेस समाप्त होने की कगार पर है, और समाप्त होती हुई कांग्रेस को ये बात निश्चित ही समझ में आ रही है कि हम जो बातें कर रहे हैं और हम जो हैं, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे या प्रादेशिक मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत हावी रहे हैं। महंगाई की बात कर लें या देश की सुरक्षा की बात कर लें, ये सारे मुद्दों को बीजेपी ने निरंतर हवा दी है और कांग्रेस इनका निरंतर खंडन करते आई है, और इसके बाद भी आप पाते हैं कि आप आगे हैं, जबकि आपके खिलाफ यहाँ लोकल जिसको कहें या प्रादेशिक स्तर पर कहें एंटी इनकमेंट। हाँ, नीचे के लेवल पर वो व्यवस्था थी वो थी, लेकिन सामने वाले के यहाँ तो घमासान ही मच गया ना। महंगाई का आलम, सुरक्षा का आलम, अराजकता का आलम, निर्लज्जता का आलम, ये सब इकट्ठा होकर के जनता ने दोनों चीजों का मूल्यांकन किया। उन्होंने कहा एक जगह जो है वो एक सेवफल की चोरी और दूसरी जगह जो है वो पूरी राष्ट्र की अस्मिता की चोरी है। तो उसने कहा कि जो बड़ी चोरी है उसकी सजा ज़्यादा दी जाए, और वह सजा वो चारों राज्यों में कांग्रेस को दे रही है और आने वाले समय में दे। ये भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जो था उसको लेकर अब शायद बीजेपी को चिंतन मनन करने की जरूरत है कि आखिर उसका जो एक सॉलिड वोट बैंक है वो धीरे धीरे उससे क्यों खिसक रहा है, युवा वर्ग क्यों नहीं जुड़ पा रहा। जो काम तो हुए हैं, विकास के कई काम हुए, परंतु उनमें जिस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं वो भी एक चुनौती। बिल्कुल चुनौती है, और अच्छे चलने वाले का ये लक्षण है कि वो अपनी दिशा और गति को हमेशा चेक करता रहता है, मूल्यांकन करता है। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाता है, घटाना है तो घटाता है। दिशा अगर दाएं बाएं हो रही होती है तो उसमें सुधार करता है। सरकार भी उसी तरह चलाई जाती है। सरकारों के अंदर जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो हम उसमें पल भर की भी देरी नहीं लगाएंगे, हम आवश्यक सुधार अवश्य करेंगे।
हम चाहेंगे कि जब हम 2018 में जनता के सामने खड़े हों तो हमारे सामने उपलब्धियों का अंबार हो और हमारी शिकायतें, लोगों की शिकायतें हमारे सामने कम से कम हो और लोग ये देख सके कि एक गुड गवर्नेंस क्या होती है, तो उसको लेकर के विचार के दरवाजे और सुझाव के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। मतलब गलतियों से सीख और उत्साह निरंतर, दोनों में सामंजस्य प्रक्रिया है जो केवल जीवित व्यक्ति ही कर सकता है। मृत अपने अंदर सुधार नहीं कर सकता और मृत अपने अंदर इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। जीवित व्यक्ति, जीवित संस्थाएं, जीवित पार्टियां, जीवित लोग और जीवित राष्ट्र, यही अपने अंदर सुधार करते हैं और हम इस सुधार के लिए अभी तैयार भी हैं और तत्पर भी हैं। भाजपा कितना अनुशासन और कितनी उदारता इस चुनाव के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई आसमान से उतरा हुआ दल नहीं है, वो इसी समाज के अंदर से आए हुए लोगों का संगठन है। जितनी उदारता और जितनी तत्परता और जितनी चीजें हम एक 5 लोगों के परिवार में देख रहे हैं, उतनी भारतीय जनता पार्टी में, एक परिवार और एक पार्टी, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हम जो चीज परिवारों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो पार्टी में करना पड़ती है। अब कोई ये कहे कि पार्टी में नहीं करना चाहिए, तो भैया तुम 5 लोगों के परिवार में नहीं कर पा रहे हो, तो जैसी समाज की अवस्था है वैसी की वैसी अवस्था पार्टी की। व्यक्तिवादी सोच जो है वो हावी होती जा रही है संगठन पर, ऐसा कई लोगों ने कहा है। अभी आप ही के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं प्रभात झा जी, उन्होंने तो एक जो आपकी मुखपत्र पत्रिका है उसमें कहा है कि व्यक्तिवादी जो राजनीति है वो हावी हो रही। रावण बहुत चिंतन करता था राम का, तो मरने के बाद वो राम में मिल गया। कांग्रेस का अगर आप बहुत चिंतन करोगे तो परिवारवाद और व्यक्तिवाद आप में आने लगेगा, इसलिए कांग्रेस को देखना चाहिए लेकिन उसका चिंतन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अपने माने लगता है। और ये बिल्कुल सही है कि चाहे वो कोई विधानसभा का क्षेत्र हो या लोकसभा का क्षेत्र हो या संगठन का कोई पद हो, ये पार्टी ने लीज पे दिया हुआ काम है किसी का, जिसको कि आपको एक निश्चित अवधि के बाद आना है, आप उसे पैतृक संपत्ति समझ करके हस्तांतरित नहीं कर सकते। पर इस चुनाव में ऐसा हुआ कि कई मंत्री, कई विधायक ये कहते हुए सुने गए जोर जोर से कि साहब ये टिकट तो मेरे पुत्र को मिलना चाहिए, मेरी पत्नी को मिलना चाहिए, मेरे भतीजे को मिलना चाहिए, कार्यकर्ता से उसे कोई सरोकार नहीं। और उसके लिए घर के अंदर कभी कभी बच्चे सर्दी होने के बाद में आइसक्रीम मांगते हैं, लेकिन पालक का ये कर्तव्य, माता पिता की ये जवाबदारी है कि वो आइसक्रीम खाने को न। इस चुनाव के नतीजों के बाद कुछ कड़वा डोज भी आने वाला, आइसक्रीम खाने को मत। तो इसके निहितार्थ क्या निकाले जाए, आइसक्रीम ही या उसके साथ साथ एक मेडिसिन को करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के विरुद्ध खड़ी हुई। हमने जब अपनी यात्रा 1952 में शुरू की थी तो नेहरू गांधी परिवार के विरुद्ध खड़ी की थी, चलते चलते हम एक और परिवार नहीं बनना चाहते, या बहुत 10-20-50-100-200 परिवारों का संकुल नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं की रहे, इसके अंदर प्रतिभावान कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहें, जैसे कि आज जो कार्यकर्ता हैं उनको जो कुछ मिला है वो इसलिए नहीं मिला कि उनके पिताजी ने कभी रिकमेंड किया था या उनके दादा ने रिकमेंड किया था, योग्यता थी तो पार्टी ने उन्हें दिया, भविष्य में जिनमें योग्यता होगी पार्टी उनको सहारा। एक और बात सामने उभर कर आती है कि एक विधायक का पद, एक सांसद का पद कितनी बार मतलब एक ही व्यक्ति को नवाज, उसके ऊपर भी कभी न कभी आगे जाकर के पार्टी को विचार करना ही पड़ेगा कि आखिर हम कितनी बार, कितने वर्षों तक एक ही व्यक्ति अथवा एक ही परिवार को किसी एक क्षेत्र के अंदर नेतृत्व देते रहेंगे। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि अच्छा होना स्वाभाविक है, किसको सत्ता दूर जाती अच्छी लगती है, लेकिन पार्टी में हजारों कार्यकर्ता हैं और सब कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं गुजरात का दे सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति गुजरात के अंदर दूसरी बार राज्यसभा में नहीं जा सकता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो। एक बात और भी कि कुछ आपके जो नेता हैं उनमें घमंड जैसी प्रवृत्ति आ गई, खासतौर पर मंत्रियों में और कुछ विधायकों में, जनता से वो दूर होते चले जा रहे हैं, परिवारवाद में जकड़े हुए हैं और भ्रष्टाचार तो इंतहा है, ऐसी भी जो जिसको कहा जाए कि गलत प्रवृत्तियां हैं वो आपके संगठन में कुछ नेताओं में आ गई हैं, दंभी प्रवृत्ति का कहने लगे। ये तो स्थाई है, आज से 400 साल पहले तुलसीदास जी कह गए
प्रभुता पाही काही मद नाही, कौन है जिसको प्रभुता पा के मद नहीं होता? तो प्रभुता को पा करके तो मद होना स्वाभाविक है। और लेकिन दोनों बातें, मद कभी जिंदा नहीं रहता, मद कभी लंबा जीवित नहीं रहता, वो धीरे धीरे क्षणे क्षणे ख़त्म हो जाता है, चाहे दुर्योधन हो चाहे रावण हो। अहंकार कभी नहीं टिकता, अंतोगत जय राम की ही होती है। तो मुझे लगता है कि उसको इस रूप में देखना चाहिए कि ये एक डिसीज है, इस डिसीज से ये व्यक्ति ग्रसित है, तो जैसे बीमार व्यक्ति की सेवा और दवा दारू करने से वो ठीक हो जाए, तो कार्यकर्ता भी वैसा करने से ठीक है। इस बार बीजेपी ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि जो विधायक जिनकी छवि बहुत खराब थी, लगभग 40 विधायकों के आपने टिकट काटे, कुछ के नहीं काट पाए, जातिगत समीकरण थे, उनका व्यक्तिगत प्रभाव था, पर क्या आगे चल के इस बात की समीक्षा होगी कि जो मंत्री या विधायक क्षेत्र में अच्छा काम नहीं करते हैं उनको पार्टी? देखिए, टिकट काटने और काम जवाबदारी काटने के काम तीन लोग करते हैं। सबसे पहले पार्टी करती है, पार्टी जिस काम को नहीं कर पाती है तो जनता कर देती है, जनता सेकंड नंबर है जो टिकट काट देती है। और जिसका काम पार्टी भी नहीं कर सकती और जनता भी नहीं कर सकती तो वो भगवान कर देता है। इसलिए एक के बाद एक न्यायालय है और हर न्यायालय दूसरे की तुलना में बड़ा है, और मेरा तो अनुभव यही है कि इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो अगले में मिल जाता है, अगले में नहीं हो तो अंततः ऊपर वाले के यहाँ तो न्याय मिल ही जाता है। और उसके लिए किसी मर के स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रहते हुए ही, जीवित रहते हुए ही आप आदमी को, चीज़ों को भुगतते हुए देख सकते हैं। अकाल मृत्यु, विक्षिप्त था, मर्यादाओं और उम्र का बंधन को न स्वीकारना, और भीषण रोग, ये सब हमारे कर्मों के ही फल है। ये भी कहा जा रहा है कि साहब इस बार जो चुनाव हुए उसमें जो आपके मंत्री थे उन्होंने इस बार कई मर्यादाओं का उल्लंघन भी किया है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो घर बैठ के क्योंकि सबका अपना अपना विविधता है, तो कुछ लोग घर में बैठ करके लड़ लिए होंगे, इतने पॉपुलर होंगे कि घर में ही बैठे के लड़ लिए। और जैसा मैंने कहा कि ट्रीटमेंट के अलग अलग लेवल हैं, ये डॉक्टर फेल होगा तो अगला, अगला नहीं तो अगला, लेकिन अभी तक का अनुभव ये है कि तीनों से कोई नहीं बच पाया। 2003, 2008, 2013 ये तीन जो चुनाव हैं, बीजेपी निरंतर कुछ मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाती रही। 2003 में कहा बिजली पूरी, सड़क पूरी और सारी सुविधाएं हम देंगे। 2008 आते आते भी लगभग वही मुद्दे थे और 2013 में भी वही मुद्दे हैं। क्या लगता है कि अब आने वाले चुनाव में इन मुद्दों के, आने वाला जो चुनाव 5 साल बाद होगा, वो चुनाव केवल और केवल गुड गवर्नेंस के आधार पर होगा। भविष्य की सरकारें नारों, शगुफों और इस प्रकार के बहानों से नहीं बनेगी। जो देश के अंदर चल रहा है वैसा नहीं होगा। सारी सरकारों को बनने का कारण उनके किए गए काम का मूल्यांकन और भविष्य में काम करने की उनकी कितनी संभावना है, जिस पे जनता भरोसा करती है, वह सब होगा। तो हम आने वाले 5 सालों में एक ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में देंगे जो सरकार स्वयं अपने आप ने अपना वोट मांगे और जनता कहे कि नहीं, हमें इन्हें ही चुनना है, क्योंकि इन्होंने न केवल सरकार के जितने आयाम हो सकते हैं, चाहे वो ढांचागत संरचना के हों, चाहे वो सर्विस सेक्टर के हों, चाहे वो वेलफेयर सेक्टर के हों, चाहे वो कृषि है, बाकी सारे विभाग हैं, उन सब के अंदर एक अनुभव होने लाए समग्र विकास जब देखेंगे तो आने वाला चुनाव उसी के आधार पर लड़ा। तो देख सकते हैं आप, ये है अनिल दवे जी जो बात कर रहे हैं राजनीति में शुचिता भी हो और निरंतर समीक्षा भी हो। कार्यक्रम क्रॉस फायर में आज इतना ही, लेकिन अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।